So, नमस्कार देवियों सज्जन भाई और बहनों, आप सभी स्वागत करते हैं अनुभव जी की कॉल नई वीडियो है, जहां पे आज अपन अनबॉक्स करने जा रहे हैं पोको का स्मार्टफोन पोको X2। तो दोस्तों, अब आप लोग पूछोगे कि भाई पोको X3 आ चुका है और तो तूने पोको X2 अब क्यों अनबॉक्स कर रहा है? तो यार दोस्तों, इसके पीछे भी काफी सारे रीजन है, ठीक है? तो फटाफट से पहले इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि क्यों ये यार पोको X3 से अभी मेरे को पोको X2 लेना ज्यादा बेटर लगा, ठीक है? ये रहा भाई पोको X2 का बॉक्स और भाई पूरा मस्त ऐसे ब्लैक फिनिश वगैरह है, ठीक है? और अगर अपन बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल जाता है पोको X2 रियलिटी फ्लो 120Hz, इवन 120Hz की स्क्रीन है, तो इन लोगों ने भाई काफी अच्छे से हाईलाइट किया है, ठीक है? और भाई यहाँ पर भी साइड में आप देख सकते हो पोको X2 रियलिटी 120Hz और यहाँ पे पीछे कुछ इसके स्पेक्स दे रखे हैं, ठीक है? ड्यूअल इन डिस्प्ले कैमरा, फ्लैगशिप 64MP का क्वाड कैमरा का सेटअप है, 730G का प्रोसेसर है और भाई 45 MAh की बैटरी है। और इसके अंदर एक और चीज है जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई और वो है भाई IR सेंसर वाला, ठीक है? इसके अंदर IR रिमोट सेंसर है जो कि भाई मतलब आप उससे अपना रिमोट वगैरह की तरह में इसको यूज कर सकते हो। वो पहले MI देता था बट अब देना बंद कर दिया है, तो यार मेरे को इसके अंदर वो काफी अच्छा लगा। इसके अलावा इसके अंदर वाईफाई के एंटीनाज भी बेटर है, ठीक है? इसके अंदर 2x2 वाईफाई एंटीनाज है, तो शायद थोड़ी वाईफाई की कवरेज अच्छी आएगी। और उसके अलावा इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। तो सील को काट लेते हैं भाई अपन, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अपनी सील काट ली है, एक मिनट, और यार इस कटता नहीं है, नया चाकू लेना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है? तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। इसमें मोटर है और मतलब ऐसे डब्बा वब्बा खोल रहा है, फटाफट से खोल लेते हैं। मस्त ऐसे काले से पीला हो चुका है पूरा बॉक्स और मस्त लग रहा है, ठीक है? मेरे को ब्राइट कलर्स काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है? और अगर अपन बात कर लेते हैं इसकी, तो भाई इसके अंदर कोई कवर ववर होगा और यूजर मैनुअल्स होगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कवर है, एक बेसिक TPU वाला कवर है जो कि काफी सही चीज है भाई, मस्त ऐसे बेसिक सा कवर है ना। और इसके अंदर यूजर मैनुअल दे रखी, यूजर गाइड, ठीक है? इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे भाई आपको एक सिम इजेक्टर पिन दे रखी है जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी सिम्स लगाने के यूज में, ठीक है? फटाफट से फोन ले लेते हैं। फोन का फर्स्ट इंप्रेशन काफी मतलब ऐसे देखोगे तो स्लिम भी है और ऐसे देखोगे तो मोटा भी है, ठीक है? और हल्का है फोन एज कम्पेयर टू, इसको साइड में रखते हैं पहले, ठीक है? और भाई इन द बॉक्स एसेसरीज की बात कर लीजिए, तो दोस्तों इसके अंदर चार्जर देखने को मिल जाता है। आजकल चार्जर भी इन द बॉक्स एक एसेसरी से कम नहीं है, ठीक है? तो जो मेरे को पता है ये एक चार्जर 50W वाला चार्जर है, नहीं सॉरी 15W वाला चार्जर है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ 27W का इसमें फास्ट चार्जर है, यहाँ पे दे रखा है, मेंशन कर रखा है। और अगर अपन रेटिंग की बात कर लें तो इसके अंदर 12V 2.25 mAh की है, तो जी हाँ ये बन जाता है भाई पूरा पूरा 27W का चार्जर। और चार्जर की बात करें तो भाई काफी प्रीमियम बिल्ड है और भाई थोड़ा सा बड़ा चार्जर है, ठीक है? केबल की बात कर लेते तो भाई टाइप सी वाली केबल देखने को मिल जाती है और भाई इसके अंदर वही मस्त ऐसे प्रीमियम वाली केबल है, बढ़िया केबल है यार, ऐसे तो मजबूत सी केबल है, अब भाई खराब होने को तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है? तो इनको रखते हैं साइड पे। बात कर लेते हैं फोन की, तो दोस्तों फोन हमारे पास है भाई मैट्रिक्स ब्लू कलर, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ मैट्रिक्स पर्पल कलर है, ठीक है? तो इसका रैपर हटाते हैं और भाई फोन आ गया हमारे हाथ में। और भाई फोन की अगर बात करें तो काफी प्यारा लग रहा है यार, मतलब इसका कलर वलर आप देखोगे कितना मस्सा लग रहा है, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं एक बार साइड में, क्योंकि यार ये मेरे फोन की सुंदरता को खराब कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग भाई ये सारी चीजें आप रख लिया करो, काम आ जाती है और वैसे भी आपकी कोई जगह तो खास घेरेगी नहीं, तो यार इनको कोशिश करा करो आप हटा दो, ठीक है? बात कर लेते दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक पावर बटन और यही बटन फिंगरप्रिंट भी काम करेगा एज अ साइड माउंटेड, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है? और यहाँ पर आपको IR सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सिम इजेक्टर देखने को मिल जाती है आपको, सिम इजेक्टर ट्रे जहाँ पे आप सिम वगैरह लगा सकते हो। नीचे आपको टाइप सी का जैक, स्पीकर वेंट और हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का जैक जिससे आप अपनी
सॉन्ग्स वगैरह मस्त सुन सकते हो। और अगर अपन बात कर लेते तो इसको बूट अप कर लेते हैं और सामने की तरफ पोको देखने को मिल जाता है आपको। और इसके अंदर भाई यहाँ पर है ना डुअल सेल्फी रियर कैमरा है, डुअल सेल्फी कैमरा है और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप है। और अगर अपन बात करें तो भाई कैमरा के पास में एक सर्किल वाली डिजाइन दे रखी है, अब पता नहीं ये लोग क्यों दी है बट ठीक है भाई, जैसा भी इसके ऊपर को तो कवर चढ़ा के अपन नॉर्मल कर देंगे ठीक है। और अगर अपन बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अगर नॉर्मल फोन से बात करते हैं ना तो भाई इसमें जो कैमरा है ना राइट हैंड साइड पे दे रखा है जबकि मैक्सिमम फोन्स में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। बाकी मेरे को भी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेफरेबल होता है पर ठीक है, ये इनकी मर्जी थी, इन्होंने दिया है ना। फटाफट से इसको सेटअप कर लेते हैं फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो भाई सेटअप हो चुका है फोन का कंप्लीट। और अगर अपन फोन की बात कर ले तो ओवरव्यू के हिसाब से अगर मैं भाई फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो उसके हिसाब से फोन काफी ज्यादा बढ़िया है ठीक है। अगर अपन स्क्रीन की बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं और अगर बॉडी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो उस हिसाब से काफी अच्छा है। और अगर बिल्ड की बात करें तो काफी प्रीमियम बिल्ड है फोन का, मेरे को काफी अच्छा लगा। और पीछे जो इसका मिरर बैक फिनिश है उसको देखते हुए मेरे को काफी ज्यादा ये प्यारा लगा। सिंपल एक ग्रेडियंस कलर है बट मेरे को काफी अच्छा लगता है ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगर इसकी कैमरा की, तो कैमरा में इसके अंदर दो सेटअप है, एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप है। अगर अपन उसकी बात कर लेते तो काफी अच्छी फोटोज दे देता है। और बाकी सेल्फी वाला कैमरा है, इसके अंदर भी डुअल कैमरा वाला सेटअप दे रखा है इन लोगों ने ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ कैमरा सैंपल्स देख लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे ठीक है कि भाई कैसा इसका बाकी का ओवरव्यू है। उम्मीद है आप लोगों को इसके कैमरा सैंपल्स अच्छे लगे होंगे। बाकी मैं अगर बात करूं भाई 15-17 हज़ार रुपए के फोन के हिसाब से तो कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है और मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ठाक सा परफॉर्म कर देता है। बट अगर अपन बात कर लेते हैं भाई इसके और स्पेक्स के ऊपर भी, तो यार अगर अपने स्पेक्स को देखते हुए मैटर करता है तो भाई उसके हिसाब से काफी अच्छा फोन है। बट अगर आप लोग कहोगे तो आप लोग जो कमेंट में सवाल पूछोगे भाई उसके ऊपर हम लोग एक पूरी इनडेप्थ रिव्यू वीडियो तो लेकर आते हैं आप लोगों को पता है। तो भाई इनडेप्थ रिव्यू वीडियो के अंदर इसके ऊपर अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि इसकी स्क्रीन कैसी है, इसका कैमरा कैसा है। कैमरा मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाए, बाकी उसके अंदर आपको वीडियो सैंपल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे ठीक है। तो उसी के लिए आप प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार लाइक का बटन दबा के जाना। और आप लोगों का कोई भी सुझाव या कोई भी इस फोन के रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट हो तो भाई प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप नीचे। और अगर आपका कोई भी इस फोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन ओवरव्यू की बात कर ले, फर्स्ट ओवरव्यू के हिसाब से ये फोन मेरे को एक वर्थ परचेज लगा। और अगर मैं प्राइसिंग की बात कर लूं तो भाई ये फोन अभी समथिंग अराउंड 18-19 हज़ार रुपए के अंदर का है, बट मैंने फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर इसको 15 हज़ार के अंदर कर लिया था, जिसके अंदर 2 हज़ार तो इसके अंदर डायरेक्ट ऑफ था और साथ में इसके अंदर समथिंग अराउंड मेरे को 1200 या 1300 रुपए का कार्ड पे कैशबैक मिल गया था। तो उसके बाद में मेरे को 15 हज़ार का फोन मिल गया और 15 हज़ार को देखते हुए काफी अच्छा फोन है ठीक है। 730G वाला प्रोसेसर एंड ऑल मेरे को उस हिसाब से काफी अच्छा लगा ठीक है। तो बस फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना, कमेंट कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।